मध्ये एक प्रकार घडलेला आहे. प्रार्थना शाळेत सुरू झाली आणि त्यानंतर आजार वाजवण्यात आलं, त्यामुळे आता भाजप आक्रमण झालं. योगेश सागर तिथे आंदोलन करतात, पालक देखील शाळेत घुसले. ठीक है, सबसे पहले वाला योगेश सागर जिनका नाम है, वो हाउस से लेकर सड़क तक हमेशा सांप्रदायिकता फैलाते रहे. हिंदू मुसलमानों के बीच में किस तरह से लड़ाई हो जाए, किस तरह से दोनों अलग अलग हो जाए, ये बीजेपी का एक बिल्कुल खुला एक एजेंडा है. जहां तक अजान की बात सवाल है, मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट जिसका है, स्कूल जिसका मैनेजमेंट है, हम पहले क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे बचपन में, तो वहां हमारे प्रिंसिपल रोजाना बाइबल पढ़ते थे, तो वहां कुरान भी पढ़ाया जाता है. लेकिन मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है, वहां जो है हम पढ़ाया जाता है, अल्लाह की तारीफ होती है. तो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, जिसका मैनेजमेंट होता है वो ऐसा करता है. यदि वहां पर मैनेजमेंट मुसलमानों का नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से अजान बिल्कुल नहीं करना चाहिए. अजान नमाज के पहले होती है, और वहां प्रार्थना हो रही है, वहां अजान करना पहले पता लगा दिया जाए कि वो आदमी रियल में कोई मुस्लिम है या बीजेपी का भेजा हुआ कोई इंसान है. तो मैं देख रहा हूँ आजकल कि अभी आगरा के अंदर समाजवादी पार्टी का फोटेज हो रहा था, एक आदमी आया बीच में बोला पाकिस्तान जिंदाबाद, मीडिया ने जल्दी से आपने घेर लिया, मुझे ऐसे मीडिया ने घेर लिया, पूछा मुझसे, मैंने कहा ये बहुत गलत है, बोला ऐसा हो ही नहीं सकता. उन्होंने कहा ये सुन लो, देखो ये बोल रहा है, रियल बोल रहा था वो. लेकिन जब इंक्वायरी हुई तो बीजेपी के भेजा हुआ आदमी. ये इस तरह से बहुत सारे लोग आजकल जो है ना इसी तरह से ऐसा क्रिएट कर रहे हैं ताकि माइनॉरिटी मुसलमानों को अलग कर दिया जाए. जो है उसकी इंक्वायरी होना चाहिए. यदि किसी मुसलमान ने सचमुच अजान किया है, उसका मैनेजमेंट मुस्लिम नहीं है और नमाज का टाइम नहीं है, तो इस तरह से अगर करता है तो उसको बिल्कुल रोकना चाहिए. भाजपा तो ढूंढ रही है रास्ता ना, भाजपा धंधा यही है. भाजपा ये 2014 के बाद इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत का काम हो रहा है. आज इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें बात हो रही है कि सबको सबका साथ लेना चाहिए, इस देश से बिल्कुल सांप्रदायिकता खत्म होना चाहिए. पर लोग खत्म हो रही है बिल्कुल, ये एक इशू बन चुका है आज. मैं समझता हूँ कि अगर इस कॉन्फ्रेंस में ये तय कर दिया जाए कि कोई भी पार्टी धर्म का नाम नहीं लेगी, तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब होगी. और यहाँ पर सिर्फ यह का बाद निकलने के बाद ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस से कोई मकसद नहीं होता. दूसरी ठाकरे गटाचे आमदार तर या ठिकाणी निषेध व्यक्त करते हैं. समाजवादी पार्टी हर उस व्यक्ति की इज्जत करती है जिसे देश के लिए समर्पण किया हो, जिसे देश की आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दिया हो. परंतु वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा लेके चलते हैं और हिंदू मुस्लिम चलते हैं, ऐसे लोगों का बिल्कुल से किसी भी जगह पे इनका रिलेशन नहीं होना चाहिए. ये बिल्कुल निकाल देना चाहिए, बिल्कुल ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए. गांधी जी इस देश के इतने बड़े नेता थे जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी. आज गांधी जी के कातिल की मंदिर बनाई जाए और ये आरएसएस के लोग उसको सपोर्ट करें, मैं समझता हूँ ये खुली निंदा होना चाहिए, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए.